डॉक्टर का जो प्रोफेशन है ना, कितनी बड़ी चीज होती है, समझना इस चीज को। अभी दो दिन पहले मेरी वाइफ की सर्जरी हुई, ठीक है, तो हम कोटा से जयपुर गए सर्जरी कराने के लिए। तो डॉक्टर ने हमको सुबह 12 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था कि आपको 12 बजे हॉस्पिटल में होना है, 12 बजे वी विल स्टार्ट द सर्जरी, ठीक है। तो हम यहाँ सुबह 7 बजे निकले, डॉक्टर ने बुलाया था हमें NBM, मेरी वाइफ को NBM मतलब निल बाई माउथ बुलाया था। निल बाई माउथ मतलब ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, एक भी बूंद पानी की भी नहीं पीनी थी, ठीक है। 7 बजे हम चले, गाड़ी चला के 11 बजे हम हॉस्पिटल पहुंचे, बारिश बारिश हो रही थी, 11 बजे हम हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर उनका वो हुआ प्री एनेस्थीसिया चेकअप हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद उन्हें भर्ती कर लिया, ठीक ठीक है ना। 12 बजे जब डॉक्टर हमारे लिए ओटी में जाने ही वाले थे, हमारा ऑपरेशन होने ही वाला था, उससे 10 मिनट पहले एक बहुत तगड़ा केस आया जिसका ब्लैडर फट गया था और खून जो था वो पूरी बॉडी में फैल गया था। तो डॉक्टर ने प्रायोरिटी पे उसको अटेंड करना जरूरी समझा, वहां चले गए, ठीक है। 4:30 घंटा ही वो दिन सर्जरी, 4:30 बजे वो सर्जरी से बाहर निकले, लंच किया उन्होंने और मुझे फोन किया, मेरे नोन थे तो मुझे फोन किया, बोले सर मैं थोड़ी देर में सर्जरी करूंगा आपकी वाइफ की और मैं लंच करके आ रहा हूं, ठीक है। लंच करके आके सर्जरी होते होते 7 बज गए, ठीक है ना। सर्जरी होते होते रात के मतलब 7 बजे सर्जरी स्टार्ट हुई, आके करके देख के 2-3 ओपीडी के पेशेंट्स थे उन्हें देख के 7 बज गए सर्जरी के, ठीक है। सुबह 7 बजे की जगी हुई, 6:30 बजे की जगी हुई मेरी बीवी, 6:30 बजे से भूखी प्यासी, शाम को 7 बजे सर्जरी में गई है, रात में 9:30 बजे, रात में 8:30 बजे सर्जरी से बाहर आई है, 10 बजे जाके उसके पानी का एक बूंद गया है, सुबह 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक, ठीक है ना। इतना लंबा करवा चौथ का व्रत होता है जो बीवियां और गर्लफ्रेंड्स अपने हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स के लिए रखती हैं। और इतना देर अगर आपको कोई भूखा पास रख लेना तो आप उसकी ऐसी तैसी कर दोगे, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हमें पता है कि यार इस आदमी के हाथ में किसी की लाइफ है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े लोग झुकते हैं डॉक्टर के, बड़े बड़े लोग झुकते हैं डॉक्टर के।